ये देखें कढ़ी बनाई हुई है। अंधेरे में इतना कोई खास कलर नहीं लग रहा, लेकिन जिस वक्त खाएंगे तो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और व्लॉग हम लोग कल नहीं डाल सके थे क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग दो दिन पहले कश्मीर गए हुए थे, और कश्मीर से जब हम लोग वापस आए तो हम लोग थोड़े थोड़े से बीमार हो गए थे, फीवर वगैरह हो गया था, तो इस वजह से व्लॉग नहीं बनाया था और ना अपलोड किया था। तो खैर आज हम लोग जो हैं वो इंशाल्लाह व्लॉग भी बनाएंगे, अपलोड भी करेंगे। और आप सुनाएं कैसे आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और बस थोड़ा सा एक काम कर लें छोटा सा, कि उसको जो है लाइक कर दें। और चलते हैं, आज बहुत ज़्यादा धुंध भी हुई हुई है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है, हीटर के वगैरह गुजारा नहीं है अब यहाँ पर ना। वैसे भी चल ही रहे थे हीटर्स वगैरह, बट अभी जो है ना बहुत ज़्यादा फोग हुई हुई, आपको दिखाते हैं और चलते हैं आगे। अभी बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह, तो बस अभी निकलते हैं और आपके साथ आज की डेली रूटीन जो है वो शेयर करेंगे अपनी आज की रूटीन। तो चलें जी चलते हैं। देखें फोग कितनी ज़्यादा हो रही है आज, कैमरे में इतनी ज़्यादा पता नहीं चल रही जितनी जो है ना रियल में पता चल रही है। फिर भी आगे ये रोड नज़र नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप वेदर जो है ना टोटली चेंज हो चुका है, मज़ीद ठंड बढ़ गई है। रात में कितना था टेम्परेचर? अभी फाइव है, रात में वहाँ से ऐसे होगा फीलिंग वन है। वही देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चों को छोड़ दिया था, बच्चे आ भी गए और अभी मैं किचन में जा रही हूँ, शाम का टाइम हो रहा है और बच्चे कह रहे हैं पकौड़े शकौड़े कुछ बनाने हैं आज, तो बस ये मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर। अभी ये ऑयल हो गया मेरा और मैं बनाती हूँ पकौड़े और आपको ले चलती हूँ पकौड़ों की तरफ। बहुत दिन चाह था मेरा भी ना पकौड़े खाने का, दो तीन दिन से बनाने के बाद बना ही लेते हैं, बस अभी बना रही हूँ मैं और आपको दिखाती हूँ। बहन जी बनाते हैं पकोड़े, और वैसे भी देखें रजब का चांद तो नज़र आ गया, काफ़ी दिन भी गुजर गए हैं अभी, और बस जल्द से जल्द जो है ना हमारा रमज़ान भी आने वाला है, साफ खैरियत से लगा रमज़ान देखना नसीब करे। और बस ये देखें मैंने डालना शुरू कर दिए हैं आलू के पकौड़े, और आप लोगों ने हमारा व्लॉग तो देखा है लास्ट कश्मीर का, बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। और आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ जाएं, टाइम स्पेंड करें, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। हम लोग तो खैर अचानक ही चले गए थे, और ये हमारे पकौड़े आलू के जो हैं वो रेडी हो रहे हैं,
फिर मैं प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, फिर हम लोग जो हैं वो अपनी चाय के साथ एंजॉय करेंगे। आपको तो पता ही है कि जो है पाकिस्तान में जो है गैस का इशू बना हुआ है, हर तरफ गैस गायब हुई हुई है, तो ये इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है वो काफ़ी हेल्प करता है कुकिंग में। तो कुकिंग तो पता ही आपको हर घर में करनी होती है किसी को, बस ये इससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है इलेक्ट्रिक चूल्हे से। तो चलो ये देखें अभी जल गए हैं, मैं निकालती हूँ फिर सर्व करती हूँ बच्चों को। सारा देखें अपनी ड्राइंग बना रही है, कुछ सारे क्या बना स्टिकर्स, ओ वाह बहुत ज़बरदस्त स्टिकर बनाया सारा। ये भी है, सारा, ये लो चाय पी लो गरम गरम, सर्दी में बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, और यहाँ पर एलिलेटे में और यहाँ हमारा ब्लॉग चल रहा है। जो हम लोग गए हुए थे लास्ट कश्मीर, वहाँ का ब्लॉग बना चल रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ब्लॉग, और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसने नहीं देखा वो देख लें और लाइक कर दें। और अब इधर 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 इधर, और यहाँ पर जो है ना हमारा व्लॉग ये चल रहा है यहाँ पर। आलू के रेडी है, प्याज के बन रहे हैं, और ये बंदा जो है ना हमें हर जगह मिल जाता है। बहुत दिनों बाद पकौड़े बनाए, हाँ बच्चों की फरमाइश पे बनाए हैं। अच्छे लगते हैं शाम के टाइम पे चाय के साथ। चाय में नींबू भी खा सकते हैं आप, बस अगर ऑप्शन होता तो मैं नींबू भी खा लेता। लेकिन कैसे बने सारा? बहुत टेस्टी। हाँ अच्छे बने, जैसा टेस्ट था वैसे ही। हम लोग गए हुए थे तो मिस नहीं कर रहे थे हमें? नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा था हमें, एंजॉय कर रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? सामने सामने टीवी के साथ। यस अच्छा जी, मैं शाम का दिखाते हैं सीन आपको बाहर का, पकौड़ा बहुत टेस्टी है। और प्याज के पकौड़े रेडी हो गए, अभी हम लोग खाते हैं। अभी हमारे यहाँ ये हलवा जो है सोहन हलवा जो है आया है कहीं से, हस्बैंड की फ्रेंड है वो भी पेशावर से हैं तो वो लेके आए इस तरह से है। अभी खाते हैं ये भी हम लोग। सो गाइस आप देख सकते हैं कि हम अंधेरे में कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो लाइट जो है ना बहरिया में जाती है बहुत ज़्यादा, और एक टाइम बना हुआ है रात को 8 से 9 जाती है, और उस टाइम पर जो है ना गैस जो है ना वो हाई फाई हो जाती है। और अभी मेरा खाना रेडी हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया, बस जैसी लाइट आएगी हम लोग अपना डिनर करेंगे। आज डिनर में मैंने बनाया है कड़ी, कड़ी दिखाती हूँ। ये देखें कड़ी बनाई हुई, अंधेरे में इतना कोई ख़ास कलर नहीं लग रहा, लेकिन जिस वक्त खाएंगे तो आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। चिकन कड़ी जो है वो तैयार हो गई है, बस हम लोग खाते हैं अभी, आपसे मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आज अभी हुसैन खाना खा रहे होटल रुक गया, और यहाँ पर सब बच्चे जो है डिनर कर रहे हैं। आपने खाना खा लिया? और खाना है? अच्छा लगा आपको? क्या बनाया था? चावल। हाँ कड़ी, चावल कड़ी, चावल कड़ी, कड़ी चावल अच्छा। हम आपसे ना व्लॉग एंड करवाएंगे, आप चैलेंज कर कर कल करना मेरा व्लॉग एंड करें आप, चलें मिलते नहीं। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा था, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलिएगा मत। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू वाचिंग, बाय। चलिए जी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।